हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केसट। गाइस, सुपरस्टार रजनीकांत सर की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी लाल सलाम के लिए फंस काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इसके ऑफिशियल ट्रेलर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ऑफिशियल जो रिलीजिंग डेट होने वाली है 9th February होने वाली, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इसका ट्रेलर नहीं आया है। और काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉमेंट किए कि हर्ष भाई इसके ऑफिशियल ट्रेलर से रिलेटेड कुछ अपडेट दे दो। तो गाइज, फाइनली वेट इज ओवर। और गाइज, अभी कुछ ही देर पहले मूवी की टीम और डायरेक्टर ने लाल सलाम के ऑफिशियल ट्रेलर का अनाउंसमेंट किया है और एक पोस्टर भी शेयर किया। अब गाइस, कितने बजे आने वाला है, एग्जैक्ट टाइम क्या होने वाला है, मैं सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं गाइस आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। गाइस, जब मैंने लाल सलाम का ऑफिशियल टीजर देखा था ना, तो वहां पर मेरे काफी सारे डाउट क्लियर हो गए थे कि ये मूवी किस टाइप की होने वाली है, क्या क्या कैरेक्टर होने वाला है। हाँ, तो गाइस, इसका ऑफिशियल ट्रेलर के लिए फंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि टीजर इतना दमदार है तो सोचे ट्रेलर कितना दमदार होगा। हाँ, तो गाइस, अभी कुछ ही देर पहले मूवी की टीम ने ऑफिशियली लेवल पे इसका ऑफिशियल एक पोस्टर शेयर किया है विथ ट्रेलर का एग्जैक्ट रिलीज टाइम और कहां पर देखने को मिलेगा। हाँ, तो गाइस, आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। हाँ, तो ये भाई साहब लाल सलाम है और भाई साहब मदीना भाई अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर का नाम होने वाला है। अगर मैं कास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको विष्णु विशाल सर दिखाई देने वाले हैं, जो कि अपने को रसासन में लीड एक्टर में दिखाई देने को मिले थे। हाँ, तो गाइस, वही एक्टर और एक और एक्टर है भाई साहब, विक्रांत नाम है उनका। तो गाइस, यहां पर ये एक्टर होने वाले और इंडियन सिनेमा की, सॉरी, अपने भारतीय क्रिकेट की जान, यानी कि अपने कपिल देव भी इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। हाँ, तो गाइस, इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर, यानी कि लाल सलाम का ऑफिशियल ट्रेलर जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आज ही इवनिंग में, फिक्स 5 बजे देखने को मिलेगा, यानी कि आज मंडे को इवनिंग में 5 बजे देखने को मिलेगा। और भाई साहब, जिस चैनल का मैं नाम ले रहा हूँ ना, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे रिव्यू आएंगे। और गाइस, पता, लिटरली गाइस, जब मैंने इसका ऑफिशियल टीजर अभी देखा था ना, क्योंकि इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट 9th May है, तो मैंने ये सोचा कि मूवी की टीम डायरेक्टर भाई साहब ट्रेलर भूल गए क्या, क्योंकि ओनली 4 दिन तो बचे, 4 से 5 दिन बचे, अब ट्रेलर शेयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो सडनली आज मूवी की टीम ने भाई साहब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ, तो गाइस, ये जो ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा अपने को सन पिक्चर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को एक काम करना होगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि भाई साहब जैसे ही ऑफिशियल ट्रेलर आएगा उसका सबसे पहला रिव्यू हमारा आएगा। बाकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है मदीना भाई को देखने के लिए, यानी कि रजनीकांत सर को देखने के लिए, विष्णु विशाल सर को देखने के लिए और कपिल देव को देखने के लिए, और वो जो विक्रांत सर है उन्हें भी देखने के लिए कि किस टाइप का एक्शन होने वाला है ट्रेलर में, बाकी जो कि काफी तगड़ा गूज़बम्प देने वाला है। वैसे गाइस, आप लोग हमें बताएं सुपरस्टार रजनीकांत सर की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी लाल सलाम के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है इसके एग्जैक्ट रिलीजिंग टाइम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, सुपरस्टार रजनीकांत यानी कि एज अ मदीना भाई के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।